हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब जनता से मिलने के लिए बैरिगेट से कूद गई प्रियंका गांधी, वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को मध्य प्रदेश के कई शहरों में रैलियां की। उन्होंने रतलाम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। इस रैली में प्रियंका गांधी ने कहा, केंद्र सरकार में अहंकार बढ़ गया है। फिलहाल इस रैली में प्रियंका गांधी का एक नया रूप देखने को मिला। रैली में संबोधित करने के बाद प्रियंका गांधी मंच से उतर गई और फिर जनता से मिलने के लिए करीब 3 से 3.5 फीट ऊंची बैरिगेट्स पर चढ़कर दूसरी ओर पार कर दिया। ये वीडियो देखने के बाद आप भी काफ़ी हैरान हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी करीब सैकड़ों रैलियां कर चुकी हैं, इसके बावजूद उनके चेहरे पर थकान की एक शिकन नहीं दिखाई देती है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के आखिरी चरण 19 मई को मतदान होना है। आखिरी चरण में होने वाले मतदान में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों में इंदौर पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जिसे 30 सालों से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाराज ने बीजेपी के किले में तब्दील कर दिया है। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही। दोनों दलों के समर्थक कह रहे हैं कि यहाँ सीधा मुकाबला राहुल बनाम नरेंद्र मोदी का है। शायद इसलिए पहले नरेंद्र मोदी ने यहाँ सभा को संबोधित किया तो दूसरे ही दिन प्रियंका गांधी रोड शो के लिए इंदौर पहुंच गई। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के अपने पहले दौरे में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल का पंचामृत पूजन किया, फिर रतलाम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के लिए सभा को संबोधित किया। आखिर में इंदौर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। प्रियंका उस शहर में रोड शो के लिए निकली जहां उनके भाई राहुल गांधी, दादी इंदिरा गांधी भी जहां से रास्ते से गुजरकर जीत की इबारत लिख गई। उन्हीं रस्तों में जीत ढूंढने निशाने पर प्रियंका ने मोदी पर हमला बोला, कहा, इनसे बड़ा कायर और कमजोर पीएम कभी नहीं देखा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए भ्रष्टाचारी नंबर एक वाले बयान को लेकर कांग्रेस लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम पर तीखा हमला बोला है। मोदी को निशाने पर लेते हुए प्रियंका ने कहा, मोदी बड़ा कायर, इनसे कमजोर प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इस दौरान प्रियंका ने यह भी कहा कि राजनीतिक शक्ति बड़े बड़े प्रचार या टीवी देखने से नहीं आती है। बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने रैली में कहा था, आपके पिताजी को आपके राजदरबारियों ने गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन बना दिया था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। नामदार, यह अहंकार आपको खा जाएगा। यह देश गलतियां माफ करता है मगर धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता लगातार पीएम पर हमला बोल रहे हैं। गुरुवार को यहां प्रतापगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने भी पीएम पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, राजनीतिक शक्ति वह होती है जो जनता को सबसे अहम माने, जिसमें जनता की बात सुनने की शक्ति हो, जनता की समस्याएं को सुलझाने की शक्ति हो, आलोचना सुनने की शक्ति हो, विपक्षी दलों की बातें सुनने की शक्ति हो। इसके बाद प्रियंका ने रैली में मौजूद लोगों से कहा, पर ये पीएम अपनी बात सुनना तो छोड़िए, आपको जवाब देना भी नहीं चाहते। इससे पहले हरियाणा के सिरसा में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया। अपने पिता राजीव गांधी पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा, आपको राजीव गांधी की बात करनी है कीजिए, मेरी करनी है कीजिए, दिल खोलकर कीजिए, लेकिन जनता को यह भी तो समझा दीजिए कि आपने राफेल मामले में क्या किया और क्या नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार के वादे के बारे में युवाओं को प्रियंका गांधी का नरेंद्र मोदी पर तंज, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं कि। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस का प्रचार करने पहुंची पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी के रडार पर दिए गए बयान पर तंज कसते हुए प्रियंका ने कहा कि ये इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि इन्होंने सोचा कि ऐसा काम करेंगे कि मौसम क्लाउडी है, रडार पर नहीं आएंगे, लेकिन ये रडार पर आ गए हैं। इंदौर में रोड शो के दौरान प्रियंका ने कहा, ये तो इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने खुद तय कर लिया कि जहाज कौन बनाएगा। जिसने कभी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया वह बनाएगा। उसको जमीन दे दी, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, HEL से नहीं बनवाया, जिसने 500 सालों के लिए जहाज बनाया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रडार पर दिए गए मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा,
इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने सोचा कि ऐसा काम करेंगे, मौसम क्लाउडी है, रडार पर नहीं आएंगे। लेकिन ये रडार पर आ गए, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे धूप हो, सब समझ गए कि इनकी राजनीति। शहीदों के नाम पर राजनीति करने वाले को पीएम बनाना या शहीद के बेटे को? प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को पठानकोट में रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़े सियासी वार करे। शहीद भगत सिंह चौक से शुरू हुए रोड शो को लोगों का भारी समर्थन मिला। प्रियंका के रोड शो में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब प्रभारी आशा कुमारी और स्थानीय विधायक अमित विज भी थे। सुनील गाखंड पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पहली बार पठानकोट पहुंची प्रियंका गांधी की एक झलक पाने के लिए पूरा शहर ढागू रोड शो पर उमड़ गया। रोड शो के अंत में प्रियंका ने लोगों से पूछा कि बताओ आपको नेता चाहिए या अभिनेता। प्रियंका ने कहा कि अभिनेता काम नहीं कर सकता, पर नेता को काम करना आता है। वहीं पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कि 23 मई को देश में पीएम की गद्दी पर शहीदों के नाम पर राजनीति करने वाले को बिठाना है या शहीद के बेटे को। जीएसटी और नोटबंदी के नाम पर देश के व्यापार की कमर तोड़ने वाले मोदी लोक विरोधी हैं। प्रियंका ने कहा कि मोदी समेत पूरी भाजपा ने राहुल गांधी का क्या क्या नहीं कहा, पर राहुल ने संसद में मोदी को गले लगाकर जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि मोदी अभिनेता अच्छे हैं, 5 साल उन्होंने केवल एक्टिंग की। मोदी और गुरदासपुर से भाजपा प्रत्याशी सनी देओल को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, फिल्मफेयर अवार्ड हम दिलवा देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगने वाले यह भूल गए कि देश में उनका पूरा विकास कांग्रेस ने ही किया है। मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पीएम मोदी पर सियासी तीर छोड़े। सिद्धू ने पंजाबी में शेर सुनाया कि अन्नी दे नैना चे खुमार आया, अज गंजी नू गंगी ते प्यार आया, और आइनों के बाजार में आईने के खरीदार हैं, शहर के सारे चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं। ना मंदिर की बात हो ना मस्जिद की बात हो, वतन में रोजगार हो तभी निवाले की बात हो। सिद्धू ने लोग शत्रुघ्न सिन्हा बोले 23 मई को मोदी हारेंगे और लालू यादव जेल से छूटेंगे। चुनाव रिजल्ट के बाद जेल का फाटक टूटेगा और लालू यादव जेल से छूटेगा। 23 मई को पीएम मोदी की एक्सपायरी डेट है, चुनाव बाद एक नए भारत का निर्माण होगा, ये कहना है कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का, जो पटना साहिब से चुनाव मैदान में है। उन्होंने राजद प्रमुख लालू या प्रसाद यादव पर तब टिप्पणी की है जब चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। दरअसल बिहार की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले लालू यादव का एक अपना मजबूत जनाधार है, इसलिए जब भी उनका उम्मीदवार मैदान में होता है तो उसके नाम पर नहीं बल्कि लालू के नाम पर वोट अपील की जाती है। यही तब भी हुआ जब शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस उम्मीदवार शाश्वत केदार के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। हालांकि चुनाव तो 12 मई को निपट गए। कांग्रेस उम्मीदवार शाश्वत केदार का यहां मुकाबला एनडीए की तरफ से जेडीयू उम्मीदवार वैद्यनाथ प्रसाद से था। गौरतलब हो कि लालू प्रसाद यादव के जेल में रहने के कारण वे अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। लालू यादव की तबीयत खराब है और इसी कारण वे रांची के रिम्स अस्पताल के पेंड वार्ड में अपना इलाज करा रहे हैं। बता दें कि देश में इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इनमें से 6 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब बिहार में सिर्फ आखिरी चरण में 19 मई को वोट डल जाएंगे, जिसका नतीजा 23 मई को आ जाएगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।